हेलो एवरीवन, आज के वीडियो सेशन में हम अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियो में हम लोगों ने गाइडेड मीडिया के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस वाले जो वीडियो में हम क्या करेंगे, जो अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है, जो वायरलेस मीडिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन आर अचीव्ड बाय मीन ऑफ एंटीना, ठीक है। जो भी अनगाइडेड मीडिया है उसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो उसके ट्रांसमिशन होता है और जो होता है रिसेप्शन होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, एंटीना के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन कैन बी इज आइदर डाई डायरेक्शनल, डायरेक्शनल जो होता है, आइदर डायरेक्शनल होता है और ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। ये ओमनी डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, आइदर डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में ये होता है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अब डायरेक्शनल देखते हैं, डायरेक्शनल क्या होता है। डायरेक्शनल ट्रांसमिटिंग एंटीना पुट आउट फोकस ऑफ द बीम, इसको क्या कहते हैं, एंटीना को फोकस करते हैं, जो भी पर्टिकुलर बीम है उस पर फोकस करते हैं। फिर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी अलाइन, और ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। ओमनी डायरेक्शनल देख रहे हैं, सिग्नल स्प्रेड आउट ऑफ द ऑल डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। कैन बी इज रिसीव्ड बाय द एनी एंटीना, और इसका जो जो ट्रांसमिशन होता है वो किसी भी मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी एंटीना के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या बहुत सारे एंटीना भी इसको रिसीव कर सकते हैं, और इसको क्या है कि जो सारे डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें जो गाइडेड मीडिया में जो सबसे पहले आता है माइक्रोवेव। अब देखते हैं माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। द माइक्रोवेव सिग्नल आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट द यूज ऑफ केबल, ठीक है। जो माइक्रोवेव सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें हम क्या कहते हैं, विदाउट केबल, मतलब केबल का हम यूज नहीं करते करके हम क्या कहते हैं, वायरलेस मीडियम का यूज करके हम क्या कहते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। इट इज अ लाइन साइट ट्रांसमिशन एज सिग्नल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है, जिसमें सिग्नल क्या कहता है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कहता है, ट्रेवल करता है। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन टू डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीना आर माउंटेड ऑन द टावर बिल्डिंग और हिल्स टू सेंड रिसीव द सिग्नल थ्रू द एयर। तो जो हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीना होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक एंटीना होता है, जो जिसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है जो डायरेक्शन होता है, अगर मान लो दो एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एंटीना को एक दूसरे के जो बोलना चाहिए कि एक दूसरे के डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं उसको रखते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, उसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है। जैसे ये हो गया एंटीना, इसके थ्रू क्या रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। हाउएवर दे मस्ट प्रॉपरली अलाइंड विद ईच अदर एंड अदरवाइज सिग्नल will be not to be focused well at the receive antenna, ठीक है। अगर ये particular align नहीं होंगे एक दूसरे के जो direction में, अगर ये align नहीं होंगे तो क्या होगा, जो signal है वो क्या होगा कि जो है particular एक दूसरे के पास क्या होगा, receive भी नहीं होगा और एक दूसरे को transfer भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों के direction क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, दोनों के जो है एक क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक sender हो जाएगा, दूसरा receiver हो जाएगा, ठीक है। कभी जो दूसरा वाला वो सेंडर हो जाएगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता है, इसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और जो इसको स्टेब्लिश करते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर करते हैं, किसी टावर के ऊपर करते हैं, ठीक है, कोई हिल स्टेशन है उसके ऊपर, हिल एरिया उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, टावर को सेटअप करते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन as it avoid using the cable and maintaining the repeaters, ठीक है। ये क्या होता है, इसके जो cost होता है, जो एक तरह से जो communication होता है, communication जो होता है, ये एक तरह से क्या होता है, इसका जो source वो होता है, cheaper होता है, और ये क्या कहता है, जो cable है, cable का use करना avoid कर देता है, क्योंकि wireless होता है, और इसमें जो maintaining a repeater, ठीक है, जो repeaters होता है, इसको भी क्या कर देता है, ये avoid कर देता है। Communication through the microwave is much easier over the difficult terrain, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मान लो कि इस
कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जहां पे डिफिकल्ट मतलब कि जो पर्टिकुलर जिस एरिया में सिग्नल ट्रांसमिट करना इजी नहीं होता है या डिफिकल्ट एरिया में, इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव का जो सिग्नल वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, इजियर होता है, इजी वे में ये ट्रांसमिट कर देते हैं। माइक्रोवेव सिस्टम इज परमिट द डेटा ट्रांसमिशन रेट अबाउट 16 GB/s। तो ये जो माइक्रोवेव सिस्टम है ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए परमिट कर देता है, ये 16 GB/s तक क्या कर सकता है, डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज है, इट इज द इनसिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये इनसिक्योर होता है कम्युनिकेशन में जब इसको यूज करते हैं तो इनसिक्योर वर्क करता है। सिग्नल कैन बी स्प्लिट एंड प्रोपोगेट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एयर एंड रिसीव बाय द रिसीवर एंटीना विद ए रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ठीक है। अब सिग्नल को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं या प्रोपोगेट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में इसको, है ना, ये जो हवा में हम क्या कहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में इसको सेटअप करते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि एंटीना जो होता है, एंटीना क्या करता है उसको रिसीव करता है, ठीक है, विद उसके रिड्यूस स्ट्रेंथ, जो उसके स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ सिग्नल ट्रेवल करेगा तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नाउ माइक्रोवेव्स प्रोपोगेटेड प्रोपोगेशन, माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इज अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन सच इज द रेन, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। तो जो ये माइक्रोवेव का प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वेदर कंडीशन से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। जैसे सपोज रेन होगी या थंडरस्टॉर्म होगा, उस केस में क्या होगा, ये अफेक्टेड होगा। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टावर एंटीना इज रिलेटिवली हाई, ठीक है। तो जब भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो उसके लिए क्या होगा कि आपको टावर्स लगाने पड़ेंगे, एंटीने लगाने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी हाई एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, मतलब ठीक है, उस पर आपको लगाना होगा, तो इससे कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नाउ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स यूज द रेडियो फ्रिक्वेंसी विच आर अलोकेटेड टू प्राइवेट बिजनेस फॉर डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन। ए रेडियो सेटअप यूज द ट्रांसमीटर और रिसीवर, ए ट्रांसमीटर सेंड द रेडियो वेव्स एंड एनकोड्स देम इनटू द सीन साइन वेव्स विच व्हेन रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड डिकोडेड द मैसेज इज रिसीव्ड, ठीक है। तो जो रेडियो सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल क्या होगा, रेडियो वेव एक तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं प्राइवेट बाय बिजनेस के अंदर हम क्या कहते हैं डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। और इसका जो रेडियो सेटअप होता है, जब जो मेन सेटअप होता है, इसमें क्या करते हैं कि एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा क्या होता है रिसीवर होता है। तो ट्रांसमिशन जो ट्रांसमीटर होता है वो रेडियो वेव को क्या करता है, सेंड करता है रेडियो, और साथ में क्या करता है उसको एनकोड कर देता है पर्टिकुलर किसी साइन वेव के अंदर, जिसको कि फिर बाद में जो रिसीवर एंड पे क्या होता है कि जब उसको रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर उसको रिसीव उसको जो मैसेज होता है उसको क्या करता है डिकोड करता है। बोथ द ट्रांसलेटर एंड रिसीवर यूज द एंटीना टू रेडिकेट इन द फेच, ठीक है। जो इसके जो ट्रांसमीटर जिसमें जो यूज होता है, इसमें क्या ट्रांसमीटर भी होता है रिसीवर भी होता है, जिसको क्या एंटीना के अंदर यूज होता है, जो क्या करता है इसको रेडिकेट भी करता है और फेच भी करता है रेडियो सिग्नल्स को। दे आर नॉट लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, इसमें जो है लाइन, जैसे हम माइक्रोवेव के अंदर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है, इसके अंदर इस टाइप का ट्रांसमिशन नहीं होता है, हेंस द इट इज द पेनिट्रिंग द बिल्डिंग इजिली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए ये क्या होता है जो बिल्डिंग होती है इसमें आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। नाउ एडवांटेज ऑफ रेडियो वेव्स, दे कैन यूज द इंडोर और आउटडोर, ठीक है, इसको किसी भी जगह इंडोर और आउटडोर यूज कर सकते हैं। दे आर ओमनी डायरेक्शनल एंड कैन ट्रेवल इन द एनी डायरेक्शनल, ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, इसको कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शनल में ये क्या कर सकता है सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। फिर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना डू नॉट नीड टू फिजिकल अलाइन, ठीक, ट्रांसमीटर और जो रिसीवर होता है एंटीना को, उसको फिजिकल अलाइन करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि इसमें सिग्नल किसी भी डायरेक्शन में क्या करता है ट्रेवल करता है, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको फिजिकल अलाइन करने की जरूरत नहीं होती है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन ऑफर्स द मोबिलिटी, ठीक है, ये क्या करता है जो रेडियो वेव है ये क्या करता है मोबिलिटी मीन्स मोबिलिटी को क्या करता है ये ऑफर करता है। इट इज चीपर देन द लेइंग केबल्स एंड फाइबर्स, ठीक है, जो इसकी जो ये क्या होता है कि जो हम केबल और फाइबर्स ऑप्टिक्स वगैरह यूज करते हैं उससे इसकी कॉस्ट क्या होती है चीपर होती है, ठीक है। देन इट इज ऑफर्स द कैश एस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द डिफरेंट टेरेन, ठीक है, ये क्या करता है ऑफर
अगर कोई डिफिकल्ट जो टेरन है, डिफिकल्ट एरिया है, उसमें क्या करता है, इजी वे में क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन इज इनसिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो इसके डिसएडवांटेज है ये क्या होता है, इनसिक्योर मोड में होता है कम्युनिकेशन करता है। रेडियो वेव्स इज प्रोपोगेशन इज ससेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट लाइक रेन और थंडरस्टॉर्म। ठीक है, तो ये जो इसका इफेक्ट होता है रेडियो वेव्स का, जैसे पर्टिकुलर जो ये भी इफेक्ट होता है, किससे होता है, जैसे रेन और थंडरस्टॉर्म, उससे भी इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। सैटेलाइट लिंक, द सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज आल्सो काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू आउट द वर्ल्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 3 GHz। The transmission is known as the microwave, and satellite is also a special type of microwave transmission medium. ठीक है, तो जब हम जो सैटेलाइट ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, स्लाइट ट्रांसमिशन होता है, जैसे माइक्रोवेव्स के साथ में होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि इस जो सिग्नल को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, हम इसके थ्रू पूरे पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, इसका जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, और इसमें क्या होता है कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 3 GHz से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसको क्या कहते हैं, जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव। और सैटेलाइट एक तरह का क्या हो गया, स्पेशल टाइप का माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, जिसमें जो पर्टिकुलर जो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में इसमें सैटेलाइट को क्या कहते हैं, फिक्स करते हैं, और वहां से क्या होता है कि वो जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर जो टावर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन में क्या होता है सैटेलाइट फिक्स होता है, उसी डायरेक्शन में इसको क्या कहते हैं, इस टावर को सेट करते हैं, और उसके बीच में क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। इट इज प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सर्विस सच एज द ट्रांसमिटिंग इज फैक्स वॉइस डेटा वीडियो ईमेल्स एंड अदर इंटरनेट एप्लीकेशन। ये बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें फैक्स है, वॉइस है, वीडियो ईमेल्स, अदर इंटरनेट एप्लीकेशंस है। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड द अर्थ स्टेशन हैज द सैटेलाइट डिस्क व्हिच इज द फंक्शन एज एंटीना एंड ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें जैसे अर्थ है, अभी जस्ट मैंने बताया, अर्थ के ऊपर क्या होता है, कोई डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में होते हैं, सैटेलाइट के डायरेक्शन में, जिसके थ्रू जो सिग्नल है वो डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू ए सैटेलाइट is known as the uplink, and when the transmission take place from satellite to earth station is it is the downlink। means क्या होगा कि जब earth station से satellite की तरफ क्या होता है data transmit होता है, तो उसको हम बोलेंगे uplink। और downlink कब होगा, जब satellite से earth की side, मतलब earth पे जो station है उस side जो data का transmission होगा, तो उसको बोलेंगे downlink। in satellite there are transporter that send and receive the signal from and to earth। ठीक है, तो सैटेलाइट में जो ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या करता है, डेटा को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। ठीक है, जो अर्थ स्टेशन से वो डेटा को अर्थ स्टेशन को डेटा ट्रांसफर भी करेगा, और उसका जो डेटा है उसको वापस क्या करेगा, रिसीव भी करेगा, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू। एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट लिंक, द एरिया कवर्ड इन क्वाइट लार्ज, इसका जो एडवांटेज है ये क्या कहता है, जो लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है, नो लाइन ऑफ स्लाइट रिस्ट्रिक्शन सच एज द नेचुरल माउंटेन्स एंड टॉल बिल्डिंग्स एंड टावर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसका इस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माउंटेन वगैरह जो टेल बिल्डिंग वगैरह, क्योंकि इसका सीधे डायरेक्ट सेटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है। अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल कैन बी फिक्स्ड पोजिशन और कैन बी रिलेटिवली मोबाइल। तो जो अर्थ स्टेशन है, ठीक है, जिसपे क्या होता है कि सिग्नल को क्या कर सकता है, एक फिक्स पोजिशन के ऊपर, या रिलेटिवली जो पर्टिकुलर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल के थ्रू क्या होता है, जो है क्या, एक प्लेस से मूविंग करता है, उस पर ये क्या कहता है, डेटा को क्या कर सकता है, एक फिक्स पोजिशन पे भी क्या कर सकता है, सिग्नल को रिसीव, और मतलब मूविंग जो एरिया होता है उसमें भी क्या कहता है, सिग्नल को ये रिसीव कर सकता है। This advantage of satellite link, it is very expensive as compared to other transmission media
जो ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें उससे, जो अदर ट्रांसमिशन मीडिया उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इंस्टॉलेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इसका जो इंस्टॉलेशन है कॉम्प्लेक्स होता है। द सिग्नल सेंड टू बी स्टेशन कैन बी इंटरप्रेटेड इंटरप्टेड बाय द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जब सिग्नल हम किसी स्टेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होते हैं उससे वो सिग्नल क्या हो सकता है, इंटरप्टेड हो सकता है। लो एंटीना गेन रिजल्ट ऑफ द ओवर क्राउडिंग ऑफ अवेलेबल ऑफ बैंडविड्थ। इंफ्रारेड, द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूज द इंफ्रारेड लाइट टू सेंड डेटा इज नोन एज ए इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ठीक है, एक तरह का ये ट्रांसमिशन है जिसमें क्या होता है कि जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहता है, एक डेटा को सेंड करता है ना, इंफ्रारेड सेंड द डेटा, जो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। द डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट इन द ओपन स्पेस। जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको क्या कहते हैं, एयर में ट्रांसमिट करते हैं, वो क्या कहते हैं, ओपन, जो उसको क्या कर सकते हैं, जो ओपन स्पेस है उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन नॉट बी पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, इसको जो पर्टिकुलर जो रूम्स के जो वॉल होते हैं या उसकी जो दीवार होती है उसमें पेनिट्रेट नहीं किया कर सकता है, या उसको ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। नाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंफ्रारेड स्पीड ऑफ वेरियस फ्रॉम 2.4 kbps टू 16 megabyte पर सेकेंड तक होता है। ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल, सच इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और एसी। जो हमारा टीवी और एसी का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो उसमें उसको जो है इसका इंफ्रारेड का यूज होता है। ठीक है, जैसे इसमें होता है एक एडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इट इज ए सिक्योर मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा। इसका जो मीडियम होता है वो सिक्योर होता है। इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक ट्रांसमिशन का चीप मोड होता है। ठीक है, एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड, इट कैन बी वर्क ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी पेनिट्रेट वॉल एंड इट इज अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस नॉइज और हीट। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो वॉल के अंदर इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो जो वॉइस, एक तो इसका जो डिस्टेंस होगा या जो पर्टिकुलर जो वॉल है या फिर नॉइस या हीट, उसको क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी इज ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द इनवर्सिबल वेव्स इन द एयर। इंफॉर्मेशन सच एज द डेटा, वॉइस एंड वीडियो आर कैरीड थ्रू द रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जहाँ वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जो क्या होता है, इनविजिबल वेव्स होती है, या जिसको कि हम हवा में क्या कर सकते हैं, इनविजिबल वेव्स के फॉर्म में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा, वॉइस या वीडियो को रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के साथ क्या कर सकते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होती है उसको भेज सकते हैं। दो द वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर of information between the two or more points that are not connected by the electrical conductor. ठीक है, तो जो जो वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं इसमें क्या है कि जो दो या दो से ज्यादा जो पॉइंट है, ठीक है, उसको हम आपस में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, हम इसमें इलेक्ट्रिकल उसको आपस में जो सिग्नल है, सिग्नल के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें पहला होता है वाईफाई, इज द वायरलेस फिडेलिटी। द वाईफाई इज द वायरलेस फिडेलिटी वेयर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट वायर। ठीक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है विदाउट वायर होता है। द यूजर शेयर द डेटा विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस विदाउट यूजिंग द केबल। ठीक है, इसमें जो यूजर होता है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या डेटा को शेयर कर सकता है, जिसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भी हो सकती है कि हम इसमें जो डेटा है, ठीक है, उसमें हम कोई केबल का यूज नहीं करके हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस मोड में इसका यूज कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट की क्यों नहीं हो। एज दे नो एज इट इज नॉट द सिक्योर मीडियम फॉर
फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा यूजर मस्ट बी प्राइवेसी मेथड यूज द मस्ट बी यूज द प्राइवेसी मेथड सच इज द यूजिंग द पासवर्ड एंड मेक द कनेक्शन सिक्योरिटी अनेबल्ड सो इट डज नॉट सिक्योर सब्सक्रिप्टेबल टू द हैकर। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है कि ये एक तरह से क्या होता है कि इसमें जो सिक्योर जो है जो डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इसमें ये क्या होता है सिक्योर नहीं होता है, तो उस केस में क्या करता है यूजर क्या करता है प्राइवेसी मेथड का यूज करता है जिसमें क्या कहता है पासवर्ड जो उसके पासवर्ड है उसमें पासवर्ड पुट अप कर देता है और उसके बाद जो कनेक्शन सिक्योरिटी उसको अनेबल कर देता है जिससे कि कोई पर्टिकुलर जो है सस्केप्टेबल जो हैकर है उसको एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए उसमें क्या करता है उसका एक पासवर्ड जनरेट कर देता है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू द वाईफाई ए यूजर मस्ट हैव द ब्रॉडबैंड कनेक्शन ए वायरलेस राउटर एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, जब इसमें जो ट्रांसमिशन होता है ना ट्रांसमिशन डेटा का ट्रांसमिशन होता है वाईफाई, तो यूजर के पास कम से कम क्या होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए ब्रॉडबैंड होना चाहिए वायरलेस राउटर होना चाहिए और लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसके थ्रू उसको क्या जो डेटा का है वो ट्रांसमिशन हो तो उसको क्या करें सेंड और रिसीव कर सके। नाउ नेक्स्ट वाईमैक्स इज द वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी अप टू 30 miles। ठीक है, ये एक तरह का जो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें वायरलेस मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी जो इसकी जो जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो 30 miles होती है। द डेटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस द विदाउट वायर, इसमें जो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है विदाउट वायर होता है, इट इज प्रोवाइड डेटा रेट अप टू 30 to 40 megabytes पर सेकेंड एंड अप टू 1 gigabyte पर सेकेंड फिक्स स्टेशन। ठीक है, जो इसकी डेटा रेट होती है वो 30 to 40 megabytes पर सेकेंड होती है और साथ ही ये है 1 gigabyte पर सेकेंड तक, ये क्या कहता है एक फिक्स स्टेशन जो है फिक्स्ड होता है फिक्स स्टेशन तक ये क्या कहता है इस स्पीड में डेटा प्रोवाइड कर सकता है। WiMAX इज द बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड IEEE 802.16 टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड अ यूज ऑफ एक्सेस ऑफ हाई स्पीड वॉइस डेटा एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, ये IEEE का जो 802.16 टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसमें हाई स्पीड वॉइस डेटा और इंटरनेट कनेक्टिविटी को इसको इसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं यूज कर सकता है इसको। WiMAX यूज द ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन एंड रिक्वायर द टावर नोन एज द बेस स्टेशन कम्युनिकेट विद द यूजर। ठीक है, तो जो WiMAX ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात करें इसमें क्या होता है कि जो कनेक्शन जो इंटरनेट कनेक्शन होता है इसके लिए एक टावर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं बेस स्टेशन जिससे क्या होगी यूजर कम्युनिकेट कर सके। इंस्टेंट ऑफ वायर इट इज यूज द माइक्रोवेव लिंक टू द एस्टेब्लिश द कनेक्शन। ठीक है, वायर की जगह हम इसमें माइक्रोवेव लिंक का यूज कर सकते हैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द एंड यूजर इज प्रोवाइड द माइक्रोवेव लिंक बिटवीन द टावर्स एंड यूजर। तो इसमें क्या होता है जब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या होता है कि जो एंड यूजर होता है, ठीक है, इसमें माइक्रोवेव लिंक और साथ में क्या होता है कि जो टावर होता है टावर और एंड यूजर के बीच में एक माइक्रोवेव लिंक क्या होता है कि कनेक्टिविटी होती है जिसके थ्रू उसको यूजर इसको एक्सेस करके उसका इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है। जो मेन डिफरेंस है वाईफाई और वाईमैक्स लाइन के बीच में उसकी यूटिलिटी, जैसे जो वाईफाई होता है वो होता है स्मॉल वायरलेस वर्क स्टेशन के लिए इसका यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम WLAN, जबकि वाईमैक्स क्या होता है लार्जर स्पेक्ट्रम डिलीवर कनेक्शन के लिए यूज होता है जिसमें को बहुत सारे डिवाइस में हम नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या होता है जो वाईमैक्स होता है इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक तरह से क्या होना चाहिए कि फास्ट भी होता है और बहुत सारे बड़े एरिया में भी इसका क्या होता है ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि हम इसको यूज करते हैं मेन एप्लीकेशन, ठीक है, मेट्रोपोलियन एप्लीकेशन के लिए इसका यूज होता है। अदर अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया, कुछ और भी जो वायरलेस मीडिया है अनगाइडेड मीडियम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर रिफर्स टू ट्रांसमिशन मीडियम दैट रिक्वायर्ड द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट जो कम्युनिकेशन होता है इसमें लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है एक तरह का मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट जो ट्रांसमिशन होता है इट इज प्रोवाइड द पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन बिटवीन द पॉइंट लोकेटेड एट द शॉर्ट डिस्टेंस सच इज द बिल्डिंग।
ठीक है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है, जिसमें को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, जैसे कि सिमिलर टू माइक्रोवेव ए लेजर इज यूनिडायरेक्शनल बट मच फास्टर। जैसे कि माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव के अंदर हम यूज करते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें जो है जो लेजर होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है उसको, और उससे क्या होती है थोड़े से फास्ट होती है। मच लेजर रिक्वायर द ट्रांसमीटर एंड फोटो सेंसिटिव रिसीवर टू फॉर द ट्रांसमिशन। जो लेजर के अंदर क्या होता है जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमीटर और फोटो सेंसिटिव रिसीवर होता है जिसको ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। ए डिसएडवांटेज ऑफ एसोसिएटेड विद द लेजर इज ट्रांसमिशन इज दैट द बैडली अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन। जब लेजर ट्रांसमिशन होता है इसमें क्या होता है कि जो वेदर कंडीशन होती है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी मौसम खराब हो तो उस केस में क्या होता है इसमें ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है कि इसमें लेजर ट्रांसमिशन के अंदर। फिर दूसरा है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ रिफर्स टू ए टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन दैट डिफाइन द हाउ डिफरेंट डिवाइस कैन बी कनेक्टेड वर्चुअली एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन एमंग द ईच अदर। ठीक है, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि जो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ये क्या करती है, स्पेसिफाई करती है कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को क्या करते हैं वर्चुअली क्या करती है कनेक्ट कर देती है और उसके बीच में क्या कहते हैं डेटा को ट्रांसमिट करती है। द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू द वेरियस पोर्टेबल डिवाइस सच एज द लैपटॉप एंड पीडीए एस्टेब्लिश द वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वायरलेस लैन दिस द वीलैन। ठीक है, तो जो इसके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके बीच में होता है कि जो छोटे छोटे जो है एक तरह से जो कंपनी है वो जो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जैसे लैपटॉप और पीडीए उसके बीच में क्या करते हैं कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर देती है। इस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो ब्लूटूथ होता है इसमें लो कॉस्ट एक तरह की चिप होती है जिसको क्या कहते हैं डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। और जो डेटा इसकी जो ट्रांसफर फ्रिक्वेंसी होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, जिसको कि पूरी ग्लोबली क्या कह सकते हैं जो पूरी ग्लोबली अवेलेबल होती है। और इसके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है वो 1 मेगाबाइट पर सेकेंड से होता है और जिसमें इसका जो जिसका जो एड्रेस होता है वो 48 बिट का एड्रेस होता है और ये AIEEE 802 का स्टैंडर्ड को यूज करता है।